हेलो, आजकल एंडोमेट्रोसिस केसेस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि एंडोमेट्रोसिस होती क्या है। जब भी हमारी इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस होती है, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो आउटसाइड चली जाती है, या तो यूट्रस के अंदर वाली मिडल वॉल पे चली जाए, या ओवरी पे चली जाए, या बाइलेटरल ट्यूब्स में चली जाए, या पैल्विस में, या किसी भी और ऑर्गन में चली जाए, तो उसको एंडोमेट्रोसिस बोला जाता है। अब एंडोमेट्रोसिस होने पर पेशेंट को कंटिन्यूसली पेन रहता है, वो स्ट्रेस फुल कंडीशन हो जाती है, तो बहुत परेशान हो जाता है। तो उसके सिम्टम्स ये होते हैं कि अगर हमें क्रोनिक पेल्विक पेन है, लोअर एब्डोमेन पेन है, या फिर हमें बाउल हैबिट में प्रॉब्लम्स आ रही है, या डिस्पेरोनिया हो रहा है, तो ये सब चीज़ें होती हैं कि या प्रेगनेंसी प्लान करने में प्रॉब्लम हो रही है। इस सब चीज़ों में हमें अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्टेशन लेनी चाहिए और टाइम से हमें करना चाहिए। अब इसे कॉपअप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम हेल्दी डाइट लें, कुछ चीज़ें अवॉइड करें, जैसे कि हमें प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, अल्कोहल, स्मोकिंग ये नहीं करनी है। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम उसमें नरिशमेंट लें, नरिश्ड फूड लें, जिससे कि हमें ये पेन, पेल्विक पेन थोड़ा रिड्यूस हो जाए। जैसे नट्स ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, पिस्ते और ब्रोकली, ये सब चीज़ें लेने से हमारा थोड़ा सा ठीक रहेगा हेल्दी डाइट लेने से। दूसरा ये होता है कि हमें स्ट्रेस अवॉइड करना है। स्ट्रेस कैसे अवॉइड कर सकते हैं? हम मेडिटेशन करके कर सकते हैं, जो आपको अच्छी चीज़ लगती है। सर म्यूजिक का शौक है तो म्यूजिक सुन सकते हैं, और हम वॉक के लिए जा सकते हैं, इससे हमारा स्ट्रेसफुल कंडीशन नहीं होगी, तो स्ट्रेस नहीं होगा इससे रिलेटेड। फिर हमें अपनी गुड स्लीप लेनी है, तो उसके लिए कोई भी जैसे इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, फोन वगैरह, मोबाइल, अपने बेड साइड नहीं रखने हैं। हमें टाइम सेट करना है कि कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, ठीक है। और स्लीप अगर गुड होगी और बीच में जो डे टाइम में हम थोड़ी झपकियाँ ले लेते हैं, तो वो नहीं लेनी है, ठीक है। और अच्छे से हाइड्रेटेड रहना है, पानी ज्यादा पीना है, एक्सरसाइज करना है, उससे हमारी गुड स्लीप होगी। तीसरा होता है कि हमें एक्टिव रहना है, बी एक्टिव। एक्टिव के 30 मिनट्स की हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, तो उससे क्या होगा कि हम एनर्जेटिक रहेंगे, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, तो मसल्स पेन ये सब चीज़ में प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगा। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज, रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज, स्विमिंग, ये सब चीज़ हम कर सकते हैं। फिर तीसरा है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, हमें लोनलीनेस फील होती है, तो हमें अपने जो नियर डियर होते हैं उनसे भी बात करके रखनी चाहिए, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए, जिससे कि हमें इस जो हमारी बीमारी होती है, इससे हम कॉपअप कर पाए। थैंक यू।